हेलो टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स सो कैसे हो आप लोग मस्त मजे में यस सो रेडी फॉर द लास्ट चैप्टर ऑफ द जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग दैट इज पाइल फाउंडेशन यस 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 रे बाबा लास्ट चैप्टर आ गया रे बाबा पाइल फाउंडेशन आ गया राइट दैट मींस वी आर अबाउट टू कंप्लीट द थर्टीन मार्क्स और कैसा रहा ये जर्नी शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना कि हाउ इज दिस जर्नी रे बाबा ये जो दो महीने की हमारी जर्नी रही है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग yes no? ने कोई भी मूवी देखते हो उससे बेटर yes, 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 नेटफ्लिक्स से बेटर ये सीरीज आपका है अमेजोन प्राइम से बेटर सीरीज है बिकॉज यहाँ पे ड्रामा भी है यहाँ पे पढ़ाई भी है यहाँ पे आपको सुकून भी है और गेट का मार्क्स भी है यस 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 रे बाबा यस 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 ओके ओके रे बाबा ओके यस सो वेरी गुड इवनिंग रे बाबा फटाफट ज्वाइन कर लो रे बाबा फटाफट ज्वाइन कर लो द सेशन रे बाबा विल स्टार्ट द पाइल फाउंडेशन यस विल स्टार्ट द पाइल फाउंडेशन यस यस ओके ओके रे बाबा बेटे जो पाइल फाउंडेशन देखो बेटा दो नंबर का आता है अगर शैलो से अगर शैलो से एक नंबर का आ रहा है तो आपका पाइल से दो नंबर का आएगा अगर सैलो से दो का है तो पाइल से एक का रहेगा मतलब टोटल वेडेंस तीन नंबर का होता है ठीक है टोटल वेडेंस तीन नंबर का होता है जिसमें से अगर शैलो से दो तो पाइल से एक पाइल से एक तो शैलो से दो इसी तरीके से ज्यादातर सवाल पूछा जाता है यस 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 एकदम एकदम रे बाबा एकदम राइट रे बाबा राइट 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 फटाफट लोग ज्वाइन करो रे बाबा ज्वाइन करो यस yes. ओके ओके माय डियर फ्रेंड्स ओके माय डियर फ्रेंड्स सो बिल पाइल फाउंडेशन राइट सो जो भी लोग नए हो इस चैनल पर करना क्या है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेलाइकन पर क्लिक कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और जो लोग इस सेशन को अटेंड किए हो अपना अटेंडेंस मार्क करने के लिए आपको करना क्या यूनिट हिट ऑन द लाइक बटन बाबा यूनिट हिट ऑन द लाइक बटन राइट अटेंडेंस मार्क कर देना ये yes. और जो लोग मेरे को नहीं जानते उनके लिए माइसर अभिषेक भारतीय सर फॉर द सिविल इंजीनियरिंग नो यस सर सो बेविंग एक्सपीरियंस ये देखो ये है मेरे साथ सब्जेक्ट जिसमें से आप मेरे से ऑलरेडी स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल पढ़ चुके हो जियो टेक्निकल आप मेरे सभी पढ़ रहे हो जो अभी खत्म होने वाला है राइट कुछ दिनों बाद मतलब इस हफ्ते खत्म अगला हफ्ता स्ट्रक्चर शुरू राइट अगला हफ्ता स्ट्रक्चर शुरू राइट और साथ ही साथ आपको एडवांटेज के लिए सीपीएम पर ऑन द स्पेशल क्लास ऑन द स्पेशल क्लास विच इज ऑन संडे रे बाबा संडे को स्पेशल क्लास चल रहा है जो कि हम सीपीएम पार्ट करा रहे कितने घंटे में हाउ मेनी आवर्स रे बाबा सीपीएम पार्ट इन नाइन आवर्स सीपीएम पार्ट इन नाइन आवर्स नौ घंटे में सीपीएम पार्ट खत्म करो दो नंबर लेके जाओ दो नंबर लेके जाओ दो नंबर लेके जाओ रे ले बाबा दो नंबर लेके जाओ राइट सो दैट इज इन द केस ऑफ स्पेशल क्लास और सीपीएम पार्ट टुडे देयर इज अ स्पेशल क्लास स्पेशल क्लास दैट इज टुडे टुडे रे बाबा आज 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 टूडे 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 आज आज का टाइम क्या है ग्यारह दस आईपीएल में बिजी मत हो जाना क्लास करने आ जाना आईपीएल चल रहा होगा मुझे पता है वो पीक टाइम होता है लास्ट का दो और तीन और बचा होता है लेकिन क्लास मिस मत करना क्लास मिस किया तो प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि हम शैलो फाउंडेशन के क्वेश्चंस करा रहे होंगे ठीक है और अगर आपको बेटर वे में आपको क्वेश्चंस बनाना है डाउट्स क्लियर करना है सब चीज करना है सो यू नीड टू यूज दिस कोड भार टेन भार्ट एंड इस मेरा और आपका इमोशनल कनेक्शन है बाबा वो तो अभी भी है लेकिन और बेटर वे में राइट सो यू कम ऑन अकेडमी प्लस फायदा क्या है क्लासेस आपको क्या मिलेगा लाइव मिलेगा जो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो अच्छा एक चीज और लाइव में क्या समझते हो क्या तुम सिर्फ मेरा लेक्चर देख सकते हो या तुम सिर्फ मेरे टीम का लेक्चर देख सकते हो नहीं तुम कोई भी बैच एनरोल कर सकते हो अनलिमिटेड नंबर ऑफ बैचेस अनलिमिटेड प्रैक्टिस इज देयर अनलिमिटेड फैकल्टीज आर देर जितना पढ़ना उतना पढ़ो राइट सीरीज आर देर स्ट्रक्चर शेड्यूल जो भी बच्चे लेट ज्वाइन किए हो और तैयारी करना चाह रहे हो दे कैन ज्वाइन दिस क्रैश कोर्स राइट right? और आपको मिलेगा क्या वेर यू यूज माई कोड भार टेन तो आपको मेरा मेंटरशिप मिल रहा होगा राइट right? और अगर आप तैयारी कर रहे हो फॉर प्रैक्टिसिंग द मेन्स क्वेश्चन राइट एंड या तो आप कर लो या तो 24 मंथ का लो जो जनरल होता है टारगेट कर रहे हो दे कैन सिलेक्ट कोर्स ठीक है जो अभी क्रैश कोर्स ज्वाइन करोगे जो मैं बहुत जल्दी अनाउंस करने वाला हूं ओके यू कैन गो फॉर वन टाइम पेमेंट और यू कैन पे इन द इंस्टॉलमेंट जो आपकी मर्जी जैसा आपका मन करे ओके okay, रे बाबा ओके okay. so I'm directly starting the classification of the pile yes 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 I'm directly starting the classification of the pile okay 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 ha bhai IPL dekhoge to ye छूट jayega sir kal jitna hua uske उसमें कुछ बचा है क्या अरे बाबा तन में मैंने already class ले लिया अरे बाबा I'm already taking the class अरे बाबा four to five session taken on the S फोर टू फाइव सेशन टेकन ऑन द एसपीडी अगर आप मिस कर दियो प्लीज जाके देख लेना प्लीज जाके देख लेना यस 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 सर चेतन सर की क्लास और गेट क्वेश्चन सेशन क्यों नहीं हो रही है चेतन सर की क्लास हो रही है भाई जल्दी होगी आपकी जल्दी इंजीनियर मैकेनिक्स की क्लास लगने वाली है राइट मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम टुमारो द मैकेनिक्स विल स्टार्ट राइट और गेट क्वेश्चन सेशन भी जल्दी शुरू हो जाएगा बेटा ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यू रोका गया है ठीक है वो इट विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो डोंट वरी ओके 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 सी हिस्ट द फर्स्ट थिंग डूर गोइन टू टॉक इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द पाइल पाइल को हम कितने पार्ट में क्लासिफाई करते थे पाइल को हम कितने पार्ट में क्लासिफाई करते देखो 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 रे बाबा देखो देखो पीछे ना देखो आगे देखो आगे देखो पीछे नहीं देखो राइट सो वट आर द टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन देखो बेस्ड ऑन द रेजिस्टेंस देखो जब द पाइल इज गिवन इन साइड द सॉइल नी पाइल इज गिवेन इन साइड द सॉइल वेन एवर एनी पाइल इज गिवेन इन साइड दो द रेजिस्टेंस द पाइल कैन गेट फ्रॉम द साइट द रेजिस्टेंस द पाइल कैन गेट आईड फ्रॉम द साइट और फ्रॉम द बॉटम और बोथ या तो साइड से या तो बॉटम से या दोनों से तो इसके बेसिस पे आपको रेजिस्टेंस के बेसिस पाइल को क्लासिफाई किया गया है ठीक है अगला मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन किस तरीके से आप पाइल को इंस्टॉल कर रहे हो उसके बेसिस क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फंक्शन अब जैसे शीट पाइल है एंकर पाइल है ठीक है विल सी वन वन ऑल द पाइल्स मैटेरियल यूज है तो इन तीनों के बेसिस में फ्रॉम ऑल द थ्री ऑल द फोर बेस वी नीड टू क्लासिफाई पाइल पाइल को हम करते हैं ओके okay. तो सबसे पहले बात करते बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस सो रेजिस्टेंस में और जब तुम लोड लगा रहे हो तो लोड को रेजिस्ट कौन कर रहा है कहां से रेजिस्टेंस मिल रहा है बॉटम से रेजिस्टेंस मिल रहा है साइड से रेजिस्टेंस मिल रहा है या दोनों से रेजिस्टेंस मिल रहा है इज इट क्लियर तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है सबसे पहला क्लासिफिकेशन है दैट इज एंड बियरिंग पाइल सबसे पहला क्लासिफिकेशन है धीरे 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 होगा क्या ना होगा क्या अभी तक आदत क्या है ना आप देख रहे हो बल्किनेस हो गया बहुत बल्कि हो गया उसका रीजन पहले इतना नहीं था बट क्या है ना पांच महीना से बैठ बैठ के पढ़ा रहे हैं पूरा दिन बैठे रहते हैं तो क्या हो गया साइड से फैल गए है ना वही हिसाब है अब धीरे धीरे ये भी सही हो जाएगा राइट वो एनर्जी जो मेरे को आपको ऑफलाइन लेक्चर में दिखता था ना वो एनर्जी में तुमको या ऑनलाइन में दिखा के लाऊंगा राइट right. बस आपसे रिक्वेस्ट है की सपोर्टिंग मी राइट सपोर्ट करते रहो देखो किस लेवल पे हम एनर्जी को लेके जाते हैं यू विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज द लेवल ऑफ एनर्जी जो मैं जो मैं आपको डिलीवर कर सकता हूं आप जानते ही नहीं हो अभी वो आप जानते ही नहीं हो ठीक है उतना दिन जब बैठ बैठ के पढ़ा रहे थे ना तो एनर्जी क्या होता है ना बैठा हुआ एनर्जी है अब तुम देखो क्या डायनामिज्म जो डायनामिक होता है ना वो तुमको अब दिखने मिलेगा ठीक है यस यस हा भाई यस ओके 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 अरे स्वाइल एक्सप्रेशन करवा देंगे भाई टेंशन ले रहे हो चलो भाई आगे बढ़ते हैं देखो 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 रे बाबा राइट सो सबसे पहला बात हम कर रहे हैं एंड बियरिंग टॉकिंग टॉक द एंड बियरिंग पाइप तो एंड बियरिंग पाइप नाम से ही क्लियर है कि यहां पे यहां पे जो रेजिस्टेंस आएगा कहां से आएगा यहां पे जो रेजिस्टेंस आएगा कहां से आएगा देखो यहां पे जो रेजिस्टेंस आएगा, आएगा? आएगा वो कहां से आएगा

दिस इज योर ग्राउंड सर्फेस ठीक है इज इट क्लियर सो व्हाट विल हैपन व्हाट विल हैपन बाबा वेन यू टॉक अबाउट द एंड बियरिंग पाइल सो इन द एंड बियरिंग पाइल वेन एवर यू आर गोइंग टू अप्लाई द लोड जब तुम कोई लोड लगाओगे वेन एवर यू आर गोइंग टू अप्लाई एनी लोड राइट वेन एवर यू आर गोइंग टू अप्लाई एनी लोड अब तुम कोई भी लोड लगा रहे हो एनी एक्सटर्नल लोड दैट यू आर अप्लाइंग डेट एक्सर्नल लोड विल बी रेजिस्टेड बाई द एंड बाय द एंड से कोई रेजिस्टेंस नहीं बाबा साइड से कोई रेजिस्टेंस नहीं जो भी रेजिस्टेंस मिलेगा कहां से मिलेगा जो भी रेजिस्टेंस मिलेगा कहां से मिलेगा बोलो 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 यस द रेजिस्टेंस यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम द रेजिस्टेंस अभी क्या हो रहा है रेजिस्टेंस फ्रॉम द यू आर गोइंग टू रि गेट द रेजिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम

साइड से होगा मगर साइड का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होगा कंपेयर टू दिस बॉटम रेजिस्टेंस। ऐसा नहीं है कि साइड से रेजिस्टेंस नहीं आता इसमें आता है लेकिन बहुत कम आता है तो ऐसा ऐसा लोड कैरिंग कैपेसिटी कहां मिलेगा वेयर यू कैन ऑब्जर्व दिस लोड कैरिंग कैपेसिटी वेन वैन वेन रे बाबा वेन वैन दिस पर्टिकुलर इज रेस्टिंग वैन दिस पर्टिकुलर इज रेस्टिंग वेन दिस पर्टिकुलर इज रेस्टिंग ऑन अ ऑन अ हार्ड स्ट्राटा वेन दिस पर्टिकुलर इज रेस्टिंग ऑन अ हार्ड स्ट्राटा हार्ड स्ट्राटा और रॉक या तो हार्ड स्ट्राटा पर रेस्ट करे या तो रॉक पर रेस्ट करे तब तुमको जो लोड तुम अप्लाई करोगे तो उसका जो रेजिस्टेंस आएगा वह बॉटम से आएगा ये बात समझ में आया बोलो रे बाबा यस yes, भाई मेरे सिंपल बात है कोई टफ चीज आपका पाइल है पाइल आपने टफ चीज पे मतलब एक हार्ड चीज पे रख दिया तो रेजिस्टेंस कहां से आया बॉटम से आया साइड से रेजिस्टेंस होगा बट दैट रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल वो रेजिस्टेंस बहुत कम होगा बात समझा कि नहीं तो यहां पे जो भी लोड कैरिंग कैपेसिटी होगा वॉट एवर विल बी द लोड कैरिंग कैपेसिटी विल बी द लोड कैरिंग कैपेसिटी दैट लोड कैरिंग कैपेसिटी विल बी इक्वल टू एंड बियरिंग सिर्फ और सिर्फ एन बियरिंग के कारण समझ में आया तो व्हाट शुड में बात करूं तो क्या होना चाहिए? जितना पे आपको ये मिलेगा उतना ही होगा। बोलो या ना जितना पे आपको ये मिलेगा उतना ही डेप्थ पे आपको ये लेंथ ऑफ पाइल लेके जाना पड़ेगा अरे बोलो रे बाबा या ना यस अरे बोलो यस और नो एकदम राइट तो सिंपल सा मैं कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं कि ये जो एंड बियरिंग पाइल है ये जो एंड बियरिंग पाइल है द द द डेप्थ डेप्थ ऑफ ऑफ दिस एंड पाइल डिपेंड्स ऑन हार्डर स्टाटा डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ द हार्डर स्ट्राटा ये बात समझ में आया कि नहीं आया बोलो रे बाबा यस और नो ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया तो यहां पे कुछ पॉइंट जो लिख रहे हैं यहां पे कुछ पॉइंट जो लिख रहे हैं देखो सबसे पहला पॉइंट सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है कि द रेजिस्टेंस द रेजिस्टेंस इज ऑप्टेंड इज ऑप्टेंड ओनली फ्रॉम बॉटम ओनली फ्रॉम बॉटम कहां जा रहे थे बाबा बॉटम से आ रहे थे बाबा बिकॉज द पाइल द पाइल

डिपेंड्स ऑन द डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ दार्डर स्ट्राटा या बेटर टू से बेटर वर्ड होगा डेप्थ एट विच हार्डर स्ट्राटाइज फाउंड डेप्थ एट विच डेप्थ एट विच हार्डर स्ट्राटाइज फाउंड डेप्थ एट विच हार्डर स्ट्राटा ज फाउंड हार्डर स्टार्टा इज फाउंड बाबा वो देप जहां पर आपको हार्डर स्टार्टा मिले उसट यू आर गोइंग टू सी दिस एंड बियरिंग पाइल इज इट क्लियर इज इट क्लियर बोलो रे बाबा यस नो यस यस टेल मी एनी डाउट एनी डाउट यूर है बाबा एनी डाउट यू आर है ओके नो डाउट नो डाउट इज इट क्लियर यस 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 चलो 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 आगे बढ़ते हैं चलो आगे बढ़ते हैं देखो बड़ा सिंपल तरीका मैंने पहले बोला एक बार मैं पढ़ा लूंगा तब तुम्हारा जो भी तुम कमेंट लिखो वो देखेंगे तो उससे क्या है क्लास का माहौल बना रहेगा ठीक है ना लगेगा कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हो है कि नहीं भाई सही बोल रहे हैं कि नहीं राइट ऑफलाइन क्लास में क्या होता है पहले टीचर पढ़ाते हैं फिर पूछते हैं तुमसे क्या डाउट है फिर तुम डाउट पूछते हो वो भी बताते हैं चलो भाई वैसे ही चल रहा है अपना एकदम वैसे ही चल रहा है कि नहीं चलिए सो दिस इज योर एंड बियरिंग पाइल दिस इज योर एंड बियरिंग पाइल चलो भाई आगे बढ़ते आगे बढ़ते देखो इज 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 योर 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 फ्रिक्शन 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 पाइल 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 जो दूसरा है दैट इज योर फ्रिक्शन पाइल तो देखो फ्रिक्शन पाइल में क्या होता है देखो फ्रिक्शन पाइल में क्या होता है नाम से ही क्लियर है कि डिपेंड्स ऑन व्हाट इट डिपेंड्स ऑन व्हाट बोलो रहे बाबा डिपेंड्स ऑन वाट इट डिपेंड्स ऑन फ्रिक्शन राइट तो फ्रिक्शन कहां से मिलेगा अगर हम बोल रहे कि यह मेरा पाइल है राइट एंड दिस पाइल आई एम से फ्रिक्शन पाइल दिस पाइल इज नथिंग बट दिस पाइल इज अ फ्रिक्शन पाइल दिस पाइल इज नथिंग बट अ फ्रिक्शन पाइल ओके तो यहां पर जो भी रेजिस्टेंस मिलेगा वो नीचे से नहीं मिलेगा वो नीचे से नहीं मिलेगा वो रेजिस्टेंस मिलेगा फ्रॉम द साइड्स, स्किन फ्रिक्शन चेहरे पे फ्रिक्शन राइट दैट इज स्किन फ्रिक्शन, ओके, तो यहां पे जो आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है रेजिस्टेंस यू आर गोइंग टू अपटेन द रेजिस्टेंस यू आर गोइंग टू अपलेन ओनली फ्रॉम द साइड्स ओनली फ्रॉम द साइड्स तो इसको हम लिख रहे हैं क्यू एस एफ दिस एम राइटिंग एज क्यू एस एफ द रेजिस्टेंस यू आर गेटिंग ओनली फ्रॉम द साइड साइड से सिर्फ रेजिस्टेंस होगा नीचे से कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा बात समझ में आया कि नहीं तो ये जो अल्टीमेट लोड है दिस विल बी इक्वल टू क्यू एस एफ ठीक है तो ये कहां मिलेगा किस टाइप ऑफ सॉइल में ये मिलेगा ये जनरली आपको लूज सॉइल के केस में मिलेगा लूज सॉइल

दस से बीस मीटर कम नहीं होता कम होता है क्या कम होता है क्या तीन माला तीन माला दस मीटर का हूं छह माला मीटर रहा हूं, माला बीस मीटर रहा हूं। हाँ या ना एक माला मतलब एक फ्लोर तीन साढ़े तीन मीटर का होता है है ना तो अगर दस मीटर बोल रहे मतलब तीन फ्लोर का बिल्डिंग का हाइट आपका एक पाइल का लेंथ हुआ समझ में आया कि नहीं सिमिलरली बीस मीटर मतलब छ फ्लोर के बिल्डिंग का हाइट समझ में आ रहा है तो ये कहाज यूज इन द केस ऑफ लूज सोइल लूज सोइल ठीक है तो इसका लेंथ काफी ज्यादा होता है ठीक है तो फ्रिक्शन पाइल में क्या बोल रहे हैं वट टाइम्स इन केस ऑफ द फ्रिक्शन पाइल फ्रिक्शन पाइल के केस में क्या बोल रहे हैं जनरली यूज जनरली फाउंड जनरली फाउंड इन केस ऑफ जनरली फाउंड इन केस ऑफ लूज सॉइल लूज सॉइल The resistance, resistance is offered, resistance is offered only from sides, only from sides. The resistance is offered only from sides. Next, the length, the length of the pile, the length of the pile, the length of the pile is in the range of, इज इन द इज इन देंज ऑफ टेन टू ट्वेंटी मीटर दस से बीस मीटर का लेंथ होगा दस से बीस मीटर का लेंथ होगा किस केस में इन केस ऑफ द फ्रिक्शन पाइल फ्रिक्शन पाइल की केस में आपको यह चीज मिलता है राइट सो दिस यू ऑब्जर्व इन केस ऑफ द फ्रिक्शन पाइप तो भाई मेरे एंड बियरिंग पाइल क्या हुआ

वन मोर वन मोर कोई बता सकता है एक और क्या होगा कोई बता सकता है एक और क्या होगा बोलो रे बाबा यस 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 कैन एनी वन टेल मी और क्या होगा यस 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 बोलो 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 यस सर कैन ए राइट गेट आई एम करेंटली फिफ्थ सेम यस यू कैन राइट चलो भाई अब आगे देखो यस yes. सुनोगे सो बेस्ड ऑन द रेजिस्टेंस एक और वैरायटी है ड वरायटी थर्ड वरायटी विच इज अ जनरल वेराइटी कंबाइंड कंबाइंड एंड बियरिंग कंबाइंड एंड बियरिंग एंड फ्रिक्शन पाइल अरे लाइक किया कि नहीं किया अरे बाबा अटेंडेंस मार्क कर दिया कि नहीं किया बोलो रे बाबा यस ऑन नो सो वट एम सींग कंबाइंड एंड बियरिंग एंड फ्रिक्शन पाइप कंबाइंड एंड बेयरिंग एंड फ्रिक्शन पाइल तो यह होगा क्या नाम से ही क्लियर है बताओ क्या होगा रे बाबा व्हाट विल हैपन हियर व्हाट विल हैपन हियर टेल मी टेल मी टेल मी व्हाट विल हैपन हियर क्या होगा यहां पे क्या होगा यहां पे यस व्हाट विल हैपन व्हाट विल हैपन इफ आई से दिस इज अ पाइल इफ आई अगर मैं बोलूं अगर मैं बोलूं कि ये पाइल है और इस पे हमको लोड अप्लाई करना है आई नीड टू अप्लाई द लोड अगर हमको यहां लोड अप्लाई करना है तो वो लोड वो लोड कौन रेजिस्ट करेगा दैट लोड विल बी रेजिस्टर सपोज दिस इज दस सपोज दिस इज द ग्राउंड लेवल एंड इफ आई अप्लाई एनी लोड सो जो रेजिस्टेंस आएगा वो रेजिस्टेंस कहां से आएगा बोलो राइट दिस इज अ केस ऑफ व्हाट दिस इज द केस ऑफ एंड बेयरिंग एंड फ्रिक्शन बोथ भाई मेरे कहां से आएगा बोलो 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 रे बाबा कहां से आएगा इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ यस और नो दोनों का कॉम्बिनेशन साइड से भी मिलेगा और बॉटम से भी मिलेगा साइड से भी मिलेगा और बॉटम से भी मिलेगा राइट right, तो ये जो हो गया दैट इज क्यू एस एफ और ये जो नीचे से आया दैट इज क्यू एंड बियरिंग ठीक है तो यहां पे जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी होगा दैट इज नथिंग बट क्यू एस एफ प्लस क्यू एंड बियरिंग क्यू एस एफ प्लस क्यू एंड बियरिंग ठीक है सो so, ये किस टाइप ऑफ सॉल्व में मिलेगा कैसे सॉल्व में आपको ये मिल सकता है दिस यू कैन ऑब्जर्व इन केस ऑफ डेंस सैंड और मीडियम टू डेंस सैंड बोल सकते हो आप मीडियम सॉइल बोलो या डेंस सॉयल बोलो मीडियम टू डेंस ऑयल तो इस केस में आपको जो रेजिस्टेंस है दैट रेजिस्टेंस यू कैन ऑब्जर्व आइदर फ्रॉम द साइड्स और फ्रॉम द एंड बियरिंग या तो साइड से मिलेगा या कहां से मिलेगा एंड बियरिंग से मिलेगा ठीक है तो यहां पे सिंपल सा पॉइंट लिख देते हम मी राइट द पॉइंट मी राइट द पॉइंट यस मी राइट द पॉइंट क्या पॉइंट है भाई द रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड द रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड इज ऑफर्ड इज ऑफर्ड बोथ बोथ फ्रॉम साइट्स फ्रॉम साइट्स एंड एंड बॉटम साइट से भी मिलेगा और कहां से मिलेगा बॉटम से भी मिलेगा जनरली कहां फाउंड करते हैं जनरली फाउंड जनरली फाउंड जनरली फाउंड

नहीं कंबाइन में हार्ड स्टार्ट है वही वही मैं बोल रहा हूं ना बॉटम कोई जरूरी नहीं है हार्ड स्टार्ट हो अगर वो स्टिफ सॉल है अगर सोइल स्टिफ है टफ है मतलब कहने का मतलब है कि आपका मीडियम टू डेंस सॉइल है तो उस केस में आपको साइड्स और बॉटम साइड से भी और बॉटम से भी मिलेगा यस 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 बोलो रे बाबा यस यस अभी लाइक किया कि नहीं किया रे बाबा लाइक किया कि नहीं किया यस बोलो 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 ओके ओके सर स्पेशल क्लास कहां पे होगा बेटा अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे होता है ओके okay. चलो भाई यस ओके ओके चलो ओके okay. यस yes. हाँ भाई एनी अदर डाउट एनी अदर डाउट फालतू का डाउट छोड़ के जो अच्छा डाउट है वो पूछो ओके okay. चल भाई सो दिस इज ऑल थिंग बेस्ड ऑन द रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस के बेसिस पे पाइल को हमने तीन पार्ट में क्लासिफाई किया वन इज योर एंड बियरिंग पाइल ठीक है वन इज योर एंड बियरिंग पाइल वेयर द पाइल रेस्ट ऑन द हार्ड स्ट्राटा एंड अदर इज द फ्रिक्शन पाइल द अदर पार्ट इज अ फ्रिक्शन पाइल वेयर यू सी द फ्रिक्शन इज एक्टिंग ओनली फ्रॉम द साइड्स ओके चलो भाई नाउ अगला बेस्ड ऑन इंस्टॉलेशन कोई बता सकता है व्हाट आर द टाइप्स कैन एनीवन टेल मी व्हाट आर द टाइप बेस्ड ऑन द इंस्टॉलेशन यस यस यस

ड्रीव एंड पाइल ऐसी को हम क्या बोल रहे हैं वी आर दिस एज अ प्लेसमेंट पाइल ड्रीव पाइल और डिसप्लेसमेंट पाइल अब होगा क्या समझोगे ध्यान से अब होगा क्या समझोगे ध्यान से मानो ये तुम्हारा सरफेस है दिस इज अर्फेस राइट ये आपका सरफेस अब इस सरफेस में मेरे को पाइल जो पहले से बना हुआ होगा दिस इज द पाइल विच इज प्री कास्ट पहले से बना हुआ फैक्ट्री मेड पाइल है दिस पाइल इज ड्रीवन इन साइड दिस पाइल इज ड्रीवन इन साइड टी टू जीरो पाइल आपका अंदर गया ठीक है सो ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ द एक्सटर्नल लोड आपका प्रीकास्ट पाइल सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर गया बात समझ में आया अच्छा एक बात बताओ जब ये पेनिट्रेट किया तो आसपास वाला डिस्प्लेस होगा क्या आसपास वाला डिस्प्लेस होगा क्या अरे बोलो या हाँ ना आसपास वाला डिस्प्लेस होगा क्या तो अगर आसपास वाला सॉइल डिस्प्लेस होगा तो लूज सॉइल और डेंसीफाई हो जाएगा लूज सॉइल और डेंसीफाई हो जाएगा तो अगर सॉइल डेंसीफाई हो गया तो भाई मेरा सिंपल सा बात है यहां पे बॉटम से भी रेजिस्टेंस आएगा और साइड से भी रेजिस्टेंस आएगा बोलो हाँ या नहीं यहां पे बॉटम से भी रेजिस्टेंस आएगा और साइड से भी रेजिस्टेंस आएगा मतलब यहां पे लोड कैरिंग कैपेसिटी अच्छा होगा या खराब होगा टेल मी रे बाबा यहां पे लोड कैरिंग कैपेसिटी अच्छा होगा या खराब होगा यस टेल 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 मी 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 अच्छा होगा राइट right. तो ड्रीवन पाइल्स के केस के में हम क्या बात कर रहे हैं क्या हम बोल रहे हैं यहां पे व्हाट आर द पॉइंट्स इन केस ऑफ द ड्रीवन पाइल्स ट आर द पॉइंट इन केस ऑफ द ड्रीवन पाइल पहला इट इज प्री कास्ट पाइल पहले से ही कास्ट किया जाएगा भाई ठीक है इट्स प्री कास्ट पाइल पहला बात इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज डिसमेंट पाइल इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज डिस प्लेसमेंट पाइल इसको हम और क्या बोल रहे हैं कैन ऑल्सो से दिस एज डिसमेंट पाई ठीक है उसके बाद द लोड कैरिंग कैपेसिटी विल बी मोर और लेस यस द लोड कैरिंग कैपेसिटी विल बी मोर ठीक है लोड कैरिंग कैपेसिटी विल बी मोर बिकॉज आपको जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो साइड से भी मिल रहा है और बॉटम से भी मिल रहा है सो लोड कैरिंग कैपेसिटी विल बी Will be. what मोर ठीक है will be more. तो ये बात हुआ या का ठीक ठीक है है और बात समझ में आया तो अब ड्रीवन पाइल में क्लियर क्या बोल रहा है कि जो भी आपका पाइल है आपको पहले फैक्ट्री में प्रीकास्ट करना पड़ेगा और प्रीकास्ट करने के बाद विद द हेल्प ऑफ द डायनामिक मेकनिजम आप लोड को अंदर मतलब पाइल को अंदर पेनिट्रेट कराओगे सॉइल में और ऐसा करने के कारण जो आसपास का सॉइल है वो डिस्प्लेस हो जाएगा इसलिए इस पाइल का नाम भी पड़ा डिस्प्लेसमेंट पाइल राइट और ड्यू टू द डेंसिफिकेशन ऑफ द सॉइल जो लोड है जो रेजिस्टेंस है वो बॉटम से भी आएगा वो साइड से भी आएगा इसलिए हम क्या बोले कि लोड कैरिंग कैपेसिटी भी क्या होगा ज्यादा होगा इज इट क्लियर टू ऑल बोलो रे बाबा ये बात समझ में आ गया सबको यस 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 इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल बोलो 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 यस इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल अरे बोलो रे बाबा यस और नो यस और नो शेयर किया कि नहीं किया शेयर किया कि नहीं किया पाप लगेगा शेयर नहीं किया तो यस ओके 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 माय डियर फ्रेंड्स ओके चलो आगे बढ़ते सो दैट इज अबाउट द ड्रिवन पाइल और डिस्प्लेसमेंट पाइल सेकेंड पार्ट देखते हैं लेटेस्ट लुक एट द सेकेंड पार्ट सेकेंड इज द बोर्ड पाइल बोर्ड पाइल और नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइप बोर्ड पाइल और नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइप नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइप बोर्ड पाइल और वी से दिस एज नॉन डिस्प्लेसमेंट ठीक है अब देखो यहां होगा क्या अब देखो यहां होगा क्या ट्राई टू तो अंडरस्टैंड यहां हम करेंगे क्या यहां पे सबसे पहला चीज जो हम करेंगे कि हम एक हम जस्ट मिनट ओके कंस्ट्रक्ट फर्स्ट अ बोर्ड अब वट है ओके वी विल कंस्ट्रक्ट अ बोर्ड फर्स्ट ओके यहां पर हम स्टील केसिंग डालेंगे विल फिट द स्टील केसिंग एंड आफ्टर द स्टील केसिंग इज डन वी विल फिल द कॉन्क्रीट इन साइड इट We will fill the पहले बोरिंग कर लिया और बोरिंग करने के बाद इसके अंदर कर दिया। जो भी फिल करना है कर कर तो तो कि है। है नहीं आपने कोई लोड लगा के हेमर एक्शन करके किया नहीं है ये तो भाई क्या है कास्ट इन सी टू है या कास्ट इट सी टू है आप साइड पे कर रहे हो या साइड से बाहर ले जा कर रहे हो बोलो जैसे पिछले केस में क्या था इट इज प्री कास्ट इट इज प्री कास्ट तो क्या ये प्री कास्ट फाइल है इज इट अ प्री कास्ट फाइल बोलो रे बाबा इज इट अ प्रीकास्ट फाइल नो इट इज नॉट अ प्रीकास्ट फाइल इट इज कास्ट इन पाइल इट इज कास्ट इन सी टू पाइप इट इज कास्ट इन सी टू पाइप ये कास्ट इन सी टू फाइल बाबा साइड पे साइड पे कंस्ट्रक्शन हुआ इस फाइल का इसलिए नाम पड़ा कास्ट इन सी टू पाइल ठीक है पहली बात दूसरी बात आपका आपका जो सॉइल है जो एडजेसेंट सॉइल है क्या वो डिस्प्लेस हुआ क्या वो डिस्प्लेस हुआ क्या आपका एडजेसेंट सॉइल डिस्प्लेस हुआ नहीं हुआ तो अगर एडजेसेंट सॉइल डिस्प्लेस नहीं हुआ अगर एडजेसेंट सॉइल डिस्प्लेस नहीं हुआ तो आप एक बात बताओ बड़ा सिंपल सा कि मेरा आसपास वाला सॉइल डेंसीफाई हुआ क्या नहीं हुआ तो अगर आसपास वाला सॉइल डेंसीफाई नहीं हुआ तो लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा या कम कंपेयर टू द ड्रीवन सॉइल लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होगा या कम होगा कंपेयर टू द ड्रीवन सॉइल बोलो रे बाबा यस 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 टेल मी टेल मी टेल मी टेल मी यस इट विल बी लेस कंपेयर टू द ड्रीवन सॉइल यस यस तो यहां पर क्या लिख रहे हैं इट इज नॉन डिस्प्लेसमेंट नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइप ओके okay? और तो और और तो और यहां पे द लोड कैरिंग कैपेसिटी इज लेस लोड कैरिंग कैपेसिटी लोड कैरिंग कैपेसिटी इज लेस लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होगा कम होगा ठीक है बोलो रे बाबा बोलो रे बाबा यस और नो no, यस और नो no, यस यस सर यस 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 ओके सो देखो यहां द इंस्टॉलेशन दो तरीके का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं पहला है मेरा मेरा को को बोल बोल रहे रहे हैं displacement pile और दूसरा है मेरा pile को हम क्या तो बेस्ड ऑन इंस्टॉलेशन सो बेस्ड ऑन द रेजिस्टेंस हमने देख लिया बेस्ड ऑन द इंस्टॉलेशन हमने देख लिया अब क्या देखना है बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन फंक्शन फंक्शन बेस्ड ऑन द फंक्शन राइट तो सबसे पहला देखो दैट इज अ लोड बियरिंग पाइल नाम से ही क्लियर है क्या काम है लोड बेयरिंग पाइल का क्या काम है लोड बियरिंग पाइल का क्या काम है यस द मेन पर्प ऑफ द लोड बेयरिंग पाइल देखो यहां पे देखो यहां पे डायग्राम हुआ है दिस इज अ लोड बेयरिंग पाइल देखो लोड बेयरिंग काम क्या है जो भी लोड लगा रहे हो यू आर गेटिंग द रेजिस्टेंस यस आइदर फ्रॉम द साइड और फ्रॉम द बॉटम और बोथ सो जो भी पाइल आप जो लोड कैरी करने का काम कर रहा है दैट इज अ लोड बेअरिंग

भाई डेंसाइन को डेंसिफाई नहीं करते हम लोग बिकॉज वो डेंस को डेंसिफाई करोगे तो लूज होने का चांसेस है मतलब कहने का है कि उसका वॉइड रेशियो बढ़ सकता है मैंने ये बात आपसे की थी पहले है ना तो जब हम बात कर रहे कॉम्पैक्शन पाइल का सो व्हाट इज द बेसिक यूज ऑफ कॉम्पैक्शन पाइल कॉम्पैक्शन पाइल का बेसिक यूज क्या है टू डेंसीफाई डेंसीफाई द लूज सोइल कैसे स्वाल को डेंसिफाई करना है बाबा लूज स्वाइल को लूज स्वाइल को डेंसिफाई करना है ठीक है अच्छा क्यों डेंसिफाई करना है कहां पे जरूरत पड़ेगा बताओ कहां जरूरत पड़ेगा लूज सॉल को डेंसिफाई करना है कहां जरूरत पड़ेगा अगर हमको किसी भी सॉल को डेंस बनाना है तो हम जनरली कहां करेंगे हम क्यों ऐसा पाइल देंगे बताओ आपको याद हो अगर तो लिक्विफैक्शन कहां होता है सिस्मिक जोन में जहां पे आपको हॉरिजॉन्टल लोड आ सकता है 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 ना तो सिस्मिक लोडिंग जब लगता है और लूज सॉइल केस में है तो हमको क्या पता है अगर उसका डेंस हुआ तो पोर प्रेशर बढ़ेगा अगर पोर प्रेशर बढ़ेगा तो भाई स्ट्रेस कम जीरो एट अ पॉइंट और शीयर स्ट्रेंथ जीरो हो सकता है है ना तो अगर हम सॉइल को पहले ही डेंसिफाई कर दे तो ये प्रोसेस नहीं हो सकता है, है ना लिक्विफ बच सकता है तो कहां यूज करते हैं आर यूज आर यूज फॉर द सोइल फॉर द सोइल प्रोन टू लिक्विड एक्शन प्रोन टू लिक्विड एक्शन जहां लिक्विड एक्शन होने का चांसेस होगा जहां लिक्विड एक्शन होने का चांसेस होगा वहां कॉम्पैक्शन पाइल यूज कर रहे होंगे वहां कॉम्पैक्शन पाइल यूज कर रहे होंगे इज इट क्लियर सो दैट इज इन द केस ऑफ कॉम्पैक्शन पाइल ओके okay. ये आपको दिखता है कॉम्पैक्शन पहले में देखो यहां पे व्हेन यू इंस्टॉल द व्हेन यू इंस्टॉल द दाइप तो आप क्या देख रहे हो आसपास वाला क्या हुआ आसपास वाला क्या हो रहा है ये मूव मूव करना चाह रहा करके क्या होगा ये डेंसीफाई होगा क्योंकि तुम एक पाई तो लगाओगे नहीं यू विल यूज अ मल्टीपल पाइप है ना तो इट इज गोइंग टू डेंसीफाई इज इट क्लियर इज इट क्लियर यस यस वेरी गुड वेरी गुड चलो अगला है एंकर्ड पाइल अगला है एंकर्ड पाइल तो अब देखो आगे का जो भी नाम है हम साथ में लेके चलेंगे जैसे एंकर्ड पाइल फेंडर पाइल शीट पाइल ठीक है बैटर पाइल ये सारा साथ में लेके चलते हैं देखो यहां पे देखो यहां पे लुक एट दिस डायग्राम लुक एट दिस डायग्राम लुक एट दिस डायग्राम यहां पे दिख रहा है आपको वाटर लेवल कैन यू सी द वाटर लेवल एवरीवन एवरीवन कैन यू सी द वाटर लेवल राइट नियर द वाटर नियर द सीशोर पाइल विच इज यूज द पाइल विच इज यूज उसको हम क्या बोल रहे हैं कहां है? यूज करे है? देखो ये वो पाइल है जो इंक्लाइन डायरेक्शन में देखते हैं द पाइल विच यू गिव इन इंक्लाइन डायरेक्शन क्यों ताकि जो लैटरल लोडिंग है उससे आपका पूरा सॉइल फेल ना हो जाए ठीक है तो जो लैटरल लोडिंग को रोकने के लिए मतलब लैटरल तो उसको हम क्या बोल रहे हैं बैटर पाइल बोल रहे हैं ठीक है क्या याद रखना बैटर पाइल क्या होता है ये वो पाइल है जो हम इंक्लाइन डायरेक्शन देते हैं टू प्रिवेंट दॉयल फ्रॉम सिस्मिक लोडिंग टू प्रिवेंट दॉइल फ्रॉम सिस्मोडिंग उसको हम बोलते हैं शीट है? तो पाइल है? कहां यूज करते हैं है? कि भाई शीट पाइल हम वहां यूज करेंगे ताकि पाइपिंग फेलियर ना हो पाइपिंग फेलियर ना हो वहां पर हम शीट पाइल देते हैं राइट सो देर वी गीत द शीट पाइल अगला आपका एंकर पाइल तो एंकर पाइल और बैटर पाइल में क्या अंतर है एंकर पाइल ल डैश देते हैं और बैटर पाइल इंक्लाइन डैश में देते हैं दैट इज बेसिक डिफरेंस दैट इज बेसिक डिफरेंस यस 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 ठीक है तो आपको मैं रिपीट कर रहा हूं सारा पॉइंट ध्यान से सबसे पहला बोला मैंने फेंडर पाइल फेंडर पाइल कहा यूज होगा अलॉन्ग नियर दीशो नियर दीशो जो आपका मिट्टी है और जो पानी है दोनों के बीच में जो गैप मेंटेन रखना है ठीक है कि मिट्टी पानी से मिलकर पूरा सॉइल इोड ना कर जाए है ना तो वहां पे जो हम पाइल यूज करेंगे है? Activity, अगर तुम में हो तो उसको हम क्या बोलेंगे दैट वी आर गोइंग टू से बैटर पाइल ठीक है लेकिन यही अगर तुम वर्टिकल डायरेक्शन दिए हो सो दैट आई एम गोइंग टू से एज एंकर पाइल इसको हम क्या बोलेंगे वी आर गोइंग टू से एंकर पाइल ठीक है शीट पाइल आपको पता ही है कि हम कहा देते हैं टू प्रिवेंट पाइपिंग फेलियर टू प्रिवेंट द शीट पाइल चलो भाई चलो भाई यह बात तो यहां तक क्लियर है ये बात तो यहां पे क्लियर है ठीक है तो फेंडर पाइल कहां देते हैं फेंडर पाइल कहां देते हैं नियर द दी सो नियर द सी सो ठीक है उसके बाद शीट पाइल सिंपल लिख रहे हैं टू प्रीवेंट पाइपिंग फेलियर अब बाकी सब चीज तो जानते ही हो टू प्रिवेंट पाइपिंग फेलियर टू प्रिवेंट पाइपिंग फेलियर यूज़ करते पाइपिंग फेलियर से बचाने के लिए वी यूज शीट पाइल उसके बाद बैटर पाइल पाइल्स इन इंक्लाइन डायरेक्शन पाइल्स इन इंक्लाइन डायरेक्शन पाइल्स इन इंक्लाइन डायरेक्शन ठीक है पाइल्स इन इंक्लाइन डायरेक्शन फॉर प्रिवेंशन ऑफ सॉइल प्रिवेंशन ऑफ सोइल प्रिवेंशन ऑफ सोइल अगेंस्ट सिस्मिक लोडिंग और यू कैन सी हॉर्जोंटल लोडिंग अगेंस्ट सिस्मिक लोडिंग चलो भाई यह बात तो क्लियर है ठीक है उसके बाद अपलिफ्ट पाइल बात करते हैं एंकर क्या हो गया सबसे पहले बात हुई है एंकर देता है किस पे आपने बताया मैंने याद करो शीट पाइल मैंने बताया था ना आपको एक शीट पाइल होता है कि anchored sheet pile होता है बताया था तो का और साथ ही साथ को lateral में that means horizontal में फेल होने नहीं देगा चलो भाई तो अपलिफ्ट क्या होता है ये वो पाइल है जो उन सोयल में यूज होगा विच इज हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज दिस बी यूज इन शोइंग हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज कैन एनीवन नेम सच सोइल न एन यून नेम सच स्व यस कैन एन नेता बोलो रे बाबा यस 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 सर लिखवाते क्यों नहीं अब कैसे लिखवाया जाता है बेटा नयन अब सॉरी शिवम अब कैसे लिखवाया जाता है बेटा पहले समझोगे तब तो लिखेंगे हा? चलिए ओके मुझे पता है कितना बताना है कितना नहीं बताना है चलो सामने देखो तो अपली पाइल कौन सा पाइल है ये वो पाइल है ये वो पाइल है विच सो हाई स्वेलिंग मतलब ये वहां यूज होगा उन सोयल में विच सो हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज अब जैसे मैंने देखा किसी ने लिखा मॉन्ट मॉरिलो नाइट अरे बेटा मॉन्ट मॉरिलो नाइट तो एक मिनरल है दैट इज अ मिनरल दैट इज नॉट अ अल में वो मिनरल पाया जाता है ठीक जो सो विच शो हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज ठीक है तो कौन सा एग्जाम्पल बोले डेट इज अ ब्लैक कॉटन सोइल है ना डेट इज अ ब्लैक कॉटन सॉइल तो आप लिफ ऑइल कहां यूज करेंगे पहला फॉर स्वाइल फॉर स्वाइल शोइंग फॉर स्वाइल शोइंग हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज एंड श्रिंकेज ठीक है उसके बाद उसके बाद कैसे सॉइल में मिलेगा एग्जाम्पल एग्जाम्पल ब्लैक कॉटन सोयल ब्लैक कॉटन सॉइल में तुमको यह मिलेगा ब्लैक कॉटन सॉइल में तुमको यह मिलेगा यू विल ऑब्जर्व दिस इन द केस ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल इज इट क्लियर इज इट क्लियर यस 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 ओके ओके बाबा यस ओके वेरी गुड वेरी गुड ओके बेंटोनाइट क्ली

बेस्ड ऑन द मैटीरियल देखो मैटीरियल देख के तुमको पता चल जाएगा मैटी देख के पता चल जाएगा कि कौन सा किस मैटी बाबा ये पहला वाला कौन सा आपके लिए बहुत मेहनत करके आते हैं हम लोग ठीक है वो बात अगर है कि उसकी कदर नहीं है आपको यह सबसे पहला वाला कौन सा पैल है बोलो न बाबा यस दिस इज योर दिस इज योर वॉट ये कौन सा पाइल है बोलो दिस इज अटील पाइप दिस इज अटील पाइप ओके मेडम ऑफ स्टील स्टील पाइप अगला बताओ सेकेंड वन ये वाला ये कौन सा पाइल है ये कौन सा पाइल है ये वाला देखो ये कौन सा पाइल है दिस वन ये कौन सा पाइल है बोलो रे बाबा यस ये कौन सा पाइल है दिस अ टिम्बर पाइप दिस इज अ टिम्बर पाइल टिम्बर का बना हुआ है, वुड का बना हुआ है वुड पाइल बोलो टिम्बर पाइल बोलो सब एक है ठीक है वुड पाइल बोलो टिम्बर पाइल बोलो सब एक है चलिए भाई ठीक है अगला केस देखो ये वाला अब सोच के बताओ, देखो साफ दिख रहा है क्या होगा ये? यस, yes. बोलो रे बाबा बोलो दिस अ वुड ये कौन सा पाइल है ये कौन सा पाइल है दिस अंक्रीट पाइल दिस इज अंक्रीट पाइल िस इज अ कांक्रीट पाइल इसको हम बोलते हैं कॉन्क्रीट पाइल कॉन्क्रीट का बना हुआ है बाबा देखो ना साफ दिख रहा concrete है कॉन्क्रीट है यस आरसी पाइल सीमेंट कॉन्क्रीट पाइल ओके ओके राइट अब देखो हो सकता है कि डिपेंडिंग ऑन द सर्कम स्टैंड आई कैन यूज द कंबिनेशन ऑफ द मैटेरियल जैसे यहां देखो वाटर था तो वाटर में हमने कॉन्क्रीट दे दिया ठीक है उसके नीचे आपका सॉयल था तो उसमें हमने टिम्बर पैल दे दिया तो ऐसा कंबिनेशन भी हम दे सकते हैं ऐसे कॉम्बिनेशन भी दे सकते बिकॉज डिपेंड्स कि आपका सॉइल का क्या कंडीशन है तो हम क्या कर सकते हैं वहां गिव द कंपोजिट पाइल मेड अप ऑफ द डिफरेंट मटेरियल्स, राइट तो जहां पे जो मटेरियल ज्यादा सूट करेगा उसको यूज कर लेंगे आर यू गेटिंग दिस पॉइंट यस यस ओके बोर्ड पाइल ज्यादा क्यों यूज होता है कौन बताएगा रे बाबा यस yes. कौन बताएगा बोर्ड पाइल ज्यादा क्यों यूज होता है बताओ ऑल दो द लोड कैरिंग कैपेसिटी वाई द बोर्ड पाइल इज यूज मोर बोलो बेटा पाइल का हाइट पंद्रह से बीस मीटर या दस से बीस मीटर कहां से ला पाओगे कहां से ला पाओगे भाई पहले तो उतना बड़ा बड़ा इंस्ट्रूमेंट सेट करो है कि दस से बीस मीटर हाइट पाइल ड्राइविंग के लिए चाहिए तो अगर तुम्हारे पास वो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो हाउ कैन यू ड्राइव द पाइल टेल मी रे बाबा यस टेल मी हाउ कैन यू यू ड्राइव इफ डोंट हैव मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स हाउ कैन यू ड्राइव दो अपने हाथ से करोगे क्या या बोलोगे किसी आदमी को कि ऊपर चढ़ जाओ मारते रहो नीचे चल जाएगा नहीं बहुत हेवी लोड चाहिए और डिस्ट्रक्शन होने का चांसेस बहुत होता है पाइल का और एक पाइल का डिस्ट्रॉय करना इट इज वेरी कॉस्टली आर यू गेटिंग माई पॉइंट इसी कारण से ड्रीवन पाइल्स कम यूज होता है बोर्ड पाइल्स ज्यादा यूज होता है समझ में आ गया यस यस वेरी गुड ड्रीवन पाइल लीड टू द क्रैक पाइल इंस्टॉलेशन वही बात हम बोल रहे हैं जब तुम इतना हेवी लोड मार के नीचे लेके जाओगे तो उसके फेलियर होने का चांसेस बढ़ जाता है उसके फेलियर होने का चांसेस बढ़ जाता है ओके एनी अदर डाउट एनी अदर डाउट यस ओके 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 रे बाबा सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ पाइल दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ पाइल ठीक है ये सारा चीज क्या बात किया व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइल अब आगे बढ़ते हैं द लोड कैरिंग कैपेसिटी एक्चुअल हमको तो निकालना यही है ना एक्चुअल हमको तो यही निकालना है कि व्हाट इज द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल हमको तो यही निकालना है ना तो लोड कैरिंग कैपेसिटी दो तरीके का होता है एक होता है अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ठीक है अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी और दूसरा है सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी दूसरा है सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी द सेकेंड इज सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी पहला मैं बोल रहा हूं अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी दूसरा मैं बोल रहा हूं सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी तो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी का क्या मतलब इट इज अ मैक्सिमम लोड अच कैन बी अप्लाइड ऑन द सो दैट इट डज नॉट फेल इन शियर अरे हाँ या ना इट इज अ मैक्सिमम लोड विच ए कैन अप्लाइड ऑन द पाइल सो दैट इट कैन इट डज नॉट फेल इन से पाइल बोलो या पे बोलो ठीक है सेफ लोड क्या होगा बस सेव वर्ड एड हो जाएगा बस सेफ वर्ड एड हो जाएगा यही करते हैं ना भाई राइट अल्टीमेट लोड कैरिंग द मैक्सिमम सेफ लोड विच कैन बी अप्लाइड ऑन द पाइल सो डेट डज नॉट फेल इन शियर ठीक है तो लिख के दिखला देते हैं। है एक बच्चा बोलता है कि सर अरे सर लिख के दिखला दीजिए आप लिखते नहीं है पूरा सर क्यों पूरा नहीं लिखते हैं बेटा सब लिखते हैं जान जो नहीं रिक्वायरमेंट है वो मैं रोक देता हूं समझ में आया चलिए देखिए हां भाई देखिए सो व्हाट इज द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी इज द मैक्सिमम लोड इट इज द मैक्सिमम लोड विच कैन बी अप्लाइड विच कैन बी अप्लाइड On the pile, on the pile, so that, so that, so that it do not fails in shear, so that it do not fails in, so that rather than it will write in so that soil do not fails in shear, so that soil do not fails in shear, soil do not fails in. शेयर ठीक है तो यह बात किसके लिए हो गया दिस इज फॉर अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी अगला मैं बात करूं सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी तो इसमें क्या लिखेंगे इट इज अ मैक्सिमम लोड इट इज द मैक्सिमम लोड विच कैन बी अप्लाइड विच कैन बी अप्लाइड विच कैन बी अप्लाइड

हो इज इट क्लियर राइट सो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी क्लियर होना चाहिए अब इनमें लिंक क्या है देखो ये क्यू अल्टीमेट है ये क्यू सेफ है राइट right. पहली बात ये जो तुम निकालोगे दिस विल हैव द यूनिट ऑफ फोर्स इसका यूनिट क्या होगा ये किसका यूनिट होगा फोर्स का यूनिट होगा स्ट्रेस का यूनिट नहीं होगा स्ट्रेस का यूनिट नहीं होगा इट विल बी हैविंग द यूनिट ऑफ फोर्स सिमिलरली इसका भी यूनिट क्या होगा इसका भी यूनिट क्या होगा रे बाबा दिस ऑल्सो विल है यूनिट ऑफ फोर्स इसका भी यूनिट आपका क्या होगा दिस विल है यूनिट ऑफ फोर्स राइट तो अब इनका लिंक क्या होगा देखो यस yes, इनका लिंक क्या होगा राइट लेट मी एड अ पेज ओके लेट मी चेंज दिस जस्ट मिनट ओके देखिए सो क्यू अल्टीमेट भाई मेरे लोड कैरिंग कैपेसिटी तो लोड कैरिंग कैपेसिटी में एंड बियरिंग भी आ सकता है साइड फ्रिक्शन भी आ सकता है कोई एक आ सकता है या दोनों आ सकता है तो जनरली तो हम दोनों लेके चलेंगे यस और नो सो क्यू अल्टीमेट क्या लिखेंगे क्यू एंड बियरिंग प्लस क्यू साइड फ्रिक्शन ये बात समझ में आ गया बोलो रे बाबा ये बात क्लियर हुआ सबको यस yes, यस yes, बोलो 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 यस और नो राइट सो फर्स्ट थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि भाई क्यू अल्टीमेट जो है दैट इज द सम ऑफ एंड एंड साइड फ्रिक्शन अगर फ्रिक्शन पाइल है तो एस एफ जीरो हो, is, जीरो हो जाएगा. अगर एंड बियरिंग पाइल है तो एस एफ जीरो हो जाएगा. अगर कंबाइंड तो पाइल है तो दोनों एग्जिस्ट करेगा ठीक है उसके बाद यहां से हम डायरेक्टली एंटर करेंगे क्यू सेफ दैट इज नथिंग बट क्यू अल्टीमेट अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी दैट इज नथिंग बट क्यू एंड बियरिंग प्लस क्यू एस एफ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी जहां पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू लाइज इन द रेंज ऑफ टू पॉइंट फाइव टू थ्री फैक्टर ऑफ सेफ्टी लाइज इन द रेंज ऑफ टू पॉइंट फाइव टू थ्री ठीक है सो अगेन दीज आर दिवी इंपॉर्टेंट फॉर्मुल राइट अगेन दीज आर दिवी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलस विच यू शुड रिमेंबर और थ्रू आउट द पाइल हम यही यूज कर रहे होंगे थ्रू आउट दिस पाइल वी आर गोइंग टू यूज दिस ओके okay, ओके okay, रे बाबा यस ओके राइट सो दिस इज द लोड कैरिंग कैपेसिटी दैट इज द अल्टीमेट लोड और यू आर गोइंग टू सी द सेफ लोड या आप अल्टीमेट लोड का बात करो या आप बात किसका कर रहे हो फॉर द सेफ लोड इज इट क्लियर अरे लाइक like किया कि नहीं हाँ बोलो कर दिया अटेंडेंस मार्क कर दिया शेयर कर दिया कर दिया ना चलो बढ़िया चलो राइट सो दिस इज द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल ओके चलो नाउ नाउ क्या लिखा है रीड इट रीड इट रीड इट क्या लिखा है मेथड्स टू डिटरमाइन द लोड कैरिंग कैपेसिटी व्हाट आर द मेथड्स वी आर हैविंग टू डिटरमाइन द लोड कैरिंग कैपेसिटी ठीक है तो देखते हैं देखते हैं सबसे पहला सबसे पहला सबसे पहला इज योर स्टैटिक मेथड स्टैटिक मेथड और और विशेद एनालिटिकल मेथड स्टैटिक मेथड या इसको हम क्या बोल रहे हैं एनालिटिकल मेथड स्टैटिक मेथड और विशेद एनालिटिकल मेथड द सेकेंड इज योर डायनामिक मेथड डायनामिक मेथड इन द स्टैटिक मेथड ओनली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अल्फा मेथड अल्फा मेथड ओके देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मेथड ओके देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डेल्टा मेथड ये सारे मेथड इसी के अंदर आते हैं अल्फा मेथड लैमडा मेथड डेल्टा मेथड ठीक है आपको दिखेगा यहां से सवाल आपको गेट के एग्जाम में ठीक है देन वील सी द डायनामिक मेथड इन द डायनामिक मेथड इन द डायनेमिक मेथड यू हैव टू पार्ट दो तरीके का डायनेमिक मेथड है वन इज योर इंजीनियर्स फार्मूला वन इज योर इंजीनियर्स फॉर्मूला राइट एंड अदर इज योर हिलेस फॉर्मूला थोड़ा हिला हुआ था इसने नाम हिले रखा हुआ था मजाक कर रहा हूं सीरियस मत लेना सो वन इज योर इंजीनियर्स फार्मूला एंड सेकेंड इज योर हिलेस फार्मूला राइट सो दैट 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 इज 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 योर 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 डायनामिक 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 मेथड मेथड राइट मेथड थर्ड थर्ड इज योर फील्ड मेथड फील्ड मेथड में देख रहा था कुछ लोग मेरे को उसमें बोल रहे थे सर आपने कौन पेनीट्रेशन मेथड नहीं कराया तो मैंने पहले बोल दो फील्ड मेथड जो पे कर रहे होंगे यहां पे कॉन पेनिट्रेशन के बारे में बता दूंगा ठीक है ना तो अथिंग सच मेरे पास से आपको कुछ नहीं छूटने वाला मेरा नोट्स अगर प्रॉपरली फॉलो कर लिया क्वेश्चन जो मैं स्पेशल पे करा रहा हूं वो कर लिया ठीक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढंग से लगा लिया गेट या ईय तुमको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना हो गया तुम्हारा जियोटेक ठीक है इतना बस ढंग से कर लो तो फील्ड मेथड में क्या क्या आएगा एक आएगा पाइल लोड पाइल लोड टेस्ट नॉट प्लेट लोड टेस्ट नॉट प्लेट लोड टेस्ट इट इज पाइल लोड टेस्ट ठीक है सेकेंड इज योर स्टैंडर्ड पेनीट्रेशन टेस्ट स्टैंडर्ड पेनीट्रेशन टेस्ट ठीक है थर्ड इज योर योर कौन पेनीट्रेशन टेस्ट कौन पेनीट्रेशन टेस्ट एंड फोर्थ इज योर हम्म, what is happening? Okay, fourth is your cone penetration test. Third, fourth is your cyclic pile load test. तो so, सारा test एक-एक करके देख रहे होंगे क्या हो रहा है? हम्म हम्म, just a minute, just a minute. सो टेस्ट देन चलो इसको मिटाई देते उसके बाद आपका क्या बोले दैट इज योर स्टैंडर्ड पेनीट्रेशन टेस्ट स्टैंडर्ड पेनीट्रेशन टेस्ट स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट थर्ड इज योर पाइल योर कोन पेनिट्रेशन टेस्ट ट्रेशन टेस्ट ओके एंड नेक्स्ट इज योर साइक्लिक पाइलोड टेस्ट साइक्लिक पाइल लोड टेस्ट तो सारे टेस्ट हम एक एक करके देख रहे होंगे लेकिन बिफोर लुकिंग एट दिस टेस्ट बिफोर लुकिंग एट डिस दीस टेस्ट इस टेस्ट में आने से पहले समझना ध्यान से ये जो तुम्हारा ऊपर का तीन टेस्ट आया इन तीनों टेस्ट में आप साइड फ्रिक्शन और एंड बियरिंग सेपरेट नहीं निकाल सकते सेपरेटली द वैल्यू ऑफ एंड बियरिंग एंड साइड फ्रिक्शन लेकिन इन तीनों में ऐसा नहीं होता है ठीक है तो व्हेन आई टॉक अबाउट प्लेट लोड टेस्ट तो बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज इट गिव्स द साइड फ्रिक्शन एंड एंड बेयरिंग सेपरेटली अलग अलग देता है इज इट क्लियर टू ऑल राइट तो इतना चीज हमको जानना है बस यही हमारा पूरा पाइल फाउंडेशन है बस यही है और इसके बाद हम देख रहे होंगे ग्रुप एफिशिएंसी और उसके आगे वाला पार्ट ठीक है बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट एडेड हुआ है आपको ऐश्वर्य सर ने करवाई दिया है ठीक है तो वो तो प्रॉब्लम है ही नहीं चलिए भाई ओके ओके देन

सबसे पहला मेथड इज एनालिटिकल मेथड सबसे पहला मेथड एनालिटिकल मेथड तो एनालिटिकल मेथड व्हेन वी आर डीलिंग तो बिफोर हम क्या करने जा रहे हैं कि देखो क्ले का एनालिटिकल मेथड अलग है सैंड का अलग है अब जब तक आपको यह समझ में नहीं आएगा तब तक आपको एनालिटिकल बेस समझ में नहीं आएगा ठीक है तो विल डील दैट डोंट वरी तो देखिए

दिस पाइल मे है इट इज अर सीन डेट इट इज अंटायर लेंथ अब इसका जो क्रॉस सेक्शन है द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइल द क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइल मे बी मे बी स्क्वायर और सर्कुलर या तो स्क्वायर होता है या तो क्या होता है सर्कुलर होता है ठीक है सो इफ आई टॉप जनरल सपोज द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल हमको निकालना है अब ये जो भी हम बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है इसलिए सब लोग बहुत ध्यान से समझना ठीक है बहुत ध्यान से सुनना सारे लोग तो वेन यू अप्लाई द लोड एंड बियरिंग पाइल नहीं हम बात कर रहे हैं ना ही हम फ्रिक्शन बात कर रहे हैं हम दोनों बात कर रहे हैं हम जनरल बात कर रहे हैं ठीक है सो वेन यू अप्लाई द लोड ऑन द पाइल द रेजिस्टेंस कैन बी ऑफर्ड फ्रॉम द साइट्स

स्ट्रेस ठीक है तो अब देखो यहां पे ये जो क्यू अल्टीमेट है ये हम लिख रहे हैं क्या क्यू एंड बियरिंग प्लस क्यू साइड फ्रिक्शन ठीक है क्लियर है यहां तक तो ये जो एंड बियरिंग अगर हम बोल रहे हैं कि बॉटम पे स्ट्रेस अगर हम बोल रहे हैं कि बॉटम पे स्ट्रेस छोटका क्यू एस एफ है अगर हम बोल रहे हैं बॉटम पे स्ट्रेस दैट इज बॉटम पे स्ट्रेस छोटका क्यू एंड बियरिंग है ठीक है तो हमको इसको एरिया बॉटम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोलो हाँ या ना वी नीड टू मल्टीप्लाई विद एरिया एट द बॉटम बिकॉज फोर्स इज नथिंग बट स्ट्रेस स्ट्रेस एरिया तो अगर हम बोल रहे हैं कि क्यू एंड है तो मेरे को इससे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एरिया एट द बॉटम एरिया एट द बॉटम बोलो हाँ या ना बोलो यस और नो यस 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 एकदम एकदम बेटा प्लस क्यू एस एफ अगर हम बात करते हैं तो सिमिलरली अगर साइड से जो स्ट्रेस है डेट इज स्मॉल क्यू एस एफ छोटका क्यू एस एफ ठीक है तो इसको हमको एरिया मल्टीप्लाई करने दैट इज एरिया एट द साइड साइड का एरिया साइड side का एरिया राइट दैट इज एरिया एरिया एट द साइड साइड का एरिया right? हम कंसिडर कर रहे होंगे वी विल बी कंसिडरिंग द साइड एरिया यस ओके रे बाबा ओके नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड बहुत आराम से सुनना बहुत आराम से सुनना सारे लोग ओके ओके सी ए सी अगर सपोज अगर सपोज आपका जो पाइल है द पाइल विच यू आर हैविंग द पाइल विच यू आर हैविंग इज अ स्क्वायर स्क्वायर ऑफ साइज बी दैट मीन्स बी इज द साइड दैट इज अ सेक्शन में बोल रहा हूं उसका एक साइड है बी ठीक है और दूसरा क्या हो सकता है इट कैन बी सर्कुलर इट कैन बी सर्कुलर इट कैन बी सर्कुलर इट इज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज सर्कुलर और सर्कुलर का डायमी डी सर्कुलर का डायमी डी तो हमको चाहिए व्हाट इज द एरिया एट द साइड व्हाट इज द एरिया एट द बॉटम बोलो रे बाबा अगर मेरा लेंथ ऑफ द पाइल इज एल इफ देंथ ऑफ द पाइल इज एल एल इज देंथ ऑफ पाइल एल इज देंथ ऑफ पाइल तो बताओ पाइल कहां से फ्रॉम द ग्राउंड लेवल फ्रॉम द ग्राउंड लेवल टेलमी रे बाबा टेलमी 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 रे बाबा यस यस हा बोलो रे बाबा बोलो 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 यस 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 बोलो भाई एरिया क्या होगा व्हाट इज द एरिया एट द साइट वट इज द एरिया एट द साइट यस स्क्वायर अगर है अगर स्क्वायर है अगर स्क्वायर है भाई कमेंट करो रे बाबा कमेंट नहीं दिख रहा तुम्हारा कमेंट 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 आपका कमेंट देखने के लिए फोन लिया है कमेंट करो यस yes, बोलो 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 व्हाट इज द एरिया अगर मेरा स्क्वायर है अगर मेरा स्क्वायर है देखो सर्कुलर आपको कैसा दिखेगा आपको कैसा जो शियर दिखेगा वो कैसे सरफेस पे दिखेगा स्क्वायर कैन यू अंडरस्टैंड ये स्क्वायर है है ना जो शियर लग रहा है स्क्वायर के ओवरऑल लग रहा है यस वार नो तो एरिया एट साइट क्या हो जाएगा बोलो 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 यस व्हाट इज द एरिया एट साइट्स अरे बेवकूफ एरिया एट साइट पूछ रहे साइट एरिया बॉटम एरिया तो ठीक है बॉटम एरिया दिख रहा है कि भाई जो बॉटम का एरिया ये रहा बी बाई बी ठीक है ये बॉटम एरिया हुआ क्योंकि लोड जो लग रहा होगा इस सरफेस पे लग रहा होगा द लोड विल बी एक्टिंग ऑन दिस सरफेस यस वार नो यस yes, जो भी आपका रेजिस्टेंस आ रहा है वो इस सर्फेस में लग रहा होगा तो एरिया बॉटम तो ये बी स्क्वायर है यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं बोलो कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लो एग्जाम में गलती करके तो ये थप्पड़ लगेगा हाँ भाई तो एरिया एट बॉटम इज बी स्क्वायर अगर ये अगर ये स्क्वायर है अगर ये सर्कुलर है तो क्या लिखे अगर ये सर्कुलर है तो क्या लिखे दैट इज पाई बाई फोर इन डी स्क्वायर

शेयर राइट तो अगर स्क्वायर है, है तो समझो ना चार साइड हुआ चार साइड तो चारो साइड का मिला के क्या हो गया एक साइड बी एल दूसरा साइड बी एल तीसरा साइड बी एल चौथा साइड बी एल मतलब टोटल क्या हो गया एरिया एट साइड फोर बी एल टोटल एरिया एट द साइड इज फोर बी एल ये और नो टोटल एरिया एट द साइड इज फोर बी एल समझ में आ गया समझ में आ गया फोर बी एल समझ में आ गया अरे ए स्क्वायर रे बाबा ए स्क्वायर कहां है वेयर इज द ए स्क्वायर वेयर इज स्क्वायर यस वेयर इज द ए स्क्वायर अगला मैं बात कर रहा हूं सर्कुलर सिमिलरली समझो सर्कुलर ये सर्कुलर ओवर द सर्कुलर ओवर बट पाइडीएल पाईडीएल द सर्कुलर ओवर बट पाइडीएल बोलो समझ में आया कि नहीं आया बोलो रे बाबा इज इट क्लियर और नॉट यस 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 टेल मी टेल मी टेल मी इज इट क्लियर और नॉट एवरी वन रे बाबा रिप्लाई रे बाबा यस इज इट क्लियर टू ऑल इज इट भाई टू यार बोलो या डीएल बोलो दोनों को तो एक है यस इट इज पाई डीएल वेरी गुड वेरी गुड यस सो इट इज पाई डीएल राइट बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए भाई आगे बढ़ते हैं फिर आगे अभी टाइम है थोड़ा आगे बढ़ते हैं ओके वेरी गुड नाउ नाउ तो ये तो बात हुआ कि चलो ए जनरल हम एरिया क्या कंसिडर करेंगे बट मेरा मेन कंसर्न ये नहीं है मेरा मेन कंसर्न क्या है कि भाई मेरे वट इज दिस क्यूबी एंड वट इज दिस क्यू एस एफ वट इज दिस क्यू बी एंड वट इज दिस क्यू एस एफ एरिया बॉटम एरिया ऐसे ये तो बहुत आसान था ठीक है मजा किसमें है जो क्यू बी और क्यू एस एफ बता दे ठीक है तो इस पे आते हैं कम ऑन दिस देखिए

तो एंड बियरिंग आप याद करो मेयर ऑफ का फॉर्मूला अगर मेयर ऑफ का फॉर्मूला हम कंसिडर कर रहे हैं तो क्यू अल्टीमेट आपका क्या सी एनसीएस प्लस गामा डी एन क्यू प्लस पॉइंट फाइव गामा बी एन गामा एस गामा डी गामा आई गामा यही होता अपना? Yes no? तो है अपना यस और नो तो मेयर ऑफ साहब ने बोला कि अगर तुमको एंड बियरिंग लेना है किसने बोला किसने बोला मैंने नहीं बोला किसने बोला मेयर ऑफ ने बोला तो मेयर ऑफ ने बोला कि अगर तुमको एंड बियरिंग लेना है तो तुम क्या करो एंड का सिंपल फॉर्मूला लिख दो नाइन सी क्या लिखो नाइन सी समझना ध्यान से समझना सारे लोग ध्यान से ठीक है एंड का सिंपल उन्होंने बोला कि यू टेक नाइन सी तो मान लो ये आपका पाइल है दिस इज द पाइल राइट दिस इज द पाइल एंड एंड एट द बॉटम ऑफ द पाइल द कोशन दैट मीन्स एलॉन द पाइल बॉटम लेवल इस बॉटम लेवल पे अगर कोहेशन सी है जो सोइल पे ये पाइल रेस्ट कर रहा है उस स्वाइल के नीचे का जो कोहेशन है सी ठीक है किसके लिए बात कर रहे हैं प्लेस के लिए बात कर रहे हैं सो बिनी फ्रॉम बीनीथ द कोहेशन इज सी ठीक है बात समझ में आया तो मेयर ऑफ ने क्लियर बोला मेयर ऑफ साहब ने बोला कि भाई ये जो आपका क्यू एंड बीरिंग है ना स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं दैट इज नथिंग नाइन सी अब याद करो ना ऐसा ही कुछ फॉर्मुला होता है ना सी एन सी सी एन सी भाई हम साइड का कंसिडर नहीं कर रहे हम सिर्फ बॉटम का कंसिडर कर रहे हैं आई एम नॉट कंसिडरिंग फ्रॉम साइड आई एम नॉट कंसिडरिंग फ्रॉम साइड आई एम कंसिडरिंग ओनली फ्रॉम द बॉटम आई एम कंसिडरिंग ओनली फ्रॉम द बॉटम रे बाबा हम साइड से कंसिडर कर ही नहीं रहे ठीक है तो अगर हम बॉटम से कंसिडर करें तो सी वाला पार्ट तो पार था बॉटम वाला ही गामा क्ले के केस के में आपका बी का तो कोई रोल होता ही नहीं है है ना जो गामा डीएनक्यू तो साइड से बात करता था और यहां पे तो हम हम तो एंड का कर ही नहीं तो का वैल्यू क्या दे दिया यहां पर एनसी का वैल्यू नाइन दे दिया समझ में आया समझ में आया बोलो रे बाबा राइट सो क्यू एंड बेयरिंग एज पर मेयर ऑफ इज नाइन सी ओके सो द क्यू एंड बियरिंग किस केस में फॉर द केस ऑफ क्लेस किस केस में बेटा किस केस में बोलो डैट इज फॉर द केस ऑफ क्लेस क्लेस केस में क्लेस केस में ओके दैट इज इन द केस ऑफ क्लेस ओके राइट सो वेन आई टॉक फॉर द क्लेस सो मेयर ऑफ सेट डैट क्यू एंड बियरिंग इज नथिंग बट इक्वल टू नाइन सी एनी डाउट टिल हेल्प एनी डाउट एनी डाउट एनी वन हैविंग एनी डाउट एनी वन फॉर्मूला लिखते थे आप याद करो अगर मैं सिंपल लिख रहा क्ले तो आप क्या लिखोगे सी एन सी प्लस गामा इंटू डी यही लिखते हो आप याद करो यही लिखते हो तो ये गामा डी किसके कारण आया ये तुम्हारा साइड का रेजिस्टेंस आया जो तुम्हें सरचार्ज लिए थे अब तो बात आप किसका करो रहे यूर टॉकिंग अबाउट द एंड बियरिंग आप बात कर रहे हो एंड बियरिंग का तो अगर तुम बात कर रहे हो एंड बियरिंग का तो साइड वाला तो कंसर करेंगे नहीं साइड का क्या इफेक्ट तो है ये क्या हो जाएगा चला जाएगा बचाव टर्म क्या होगा सी एन सी यहां पर सी लिख दी है एनसी क्या हो गया नाइन हो गया आर यू गेटिंग माई पॉइंट ठीक है तो यहां पर यह जो सी है वट इज दी

एंड बियरिंग इज इट क्लियर टू ऑल बोलो रे बाबा इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल यस मेरा फोन ऑफ हो गया तो मैं इसमें देख रहा हूं ठीक है माई फोन कॉड स्विच ड्रॉफ लुकिंग दिस ओके ओके टेल मी रे बाबा एनी डाउट एनी डाउट एनी डाउट एनी डाउट यू आर हैविंग यू कैन आस्क एनी डाउट यू आर है एनी डाउट यू आर हैविंग बोलो रे बाबा बोलो रे बाबा यस यस एनी डाउट यू आर हैविंग बोलो 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 मजा आया कि नहीं आया बोलो मजा आया मजा आया पढ़ने में मजा आया कि नहीं आया यस 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 चलो ओके ओके रे बाबा ओके सी आर नाउ सी य देखो रे बाबा ओके चलिए ऑल क्लियर स्किन फ्रिक्शन अभी कराएंगे अभी टाइम कम है क्योंकि और भी बहुत कुछ बताना है मेरे को स्किन फ्रिक्शन के बारे में सो आई विल डील इट लेटर ठीक है तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था यार देखो यहां पे जितना भी तुम पढ़े हो बहुत डिटेल में आपको एक एक चीज लेके आए कल मैं आपको बहुत चीज और पढ़ाऊंगा जैसे आपका अल्फा मेथड क्या है ठीक है यही भी आता है क्ले के, के केस में अल्फा मेथड आता है देन विल सी द लैमडा मेथड कब हम लैमडा मेथड यूज करते हैं जब फाइल का लेंथ बहुत ज्यादा होता है तब हम लैंडा मेथड यूज करते हैं क्यों क्योंकि कंजर्वेटिव रिजल्ट देता है देन विल सी इन द केस ऑफ द सैंड कैसे एक्टिव पैसिव प्रेशर से लिंक बनता है कैसे आपका एक्टिव पैसिव प्रेशर से लिंक बनता है वो सारा चीज हम कल देख रहे होंगे ठीक है सो डोंट वरी अबाउट एनी थिंग बाबा आई एम देयर आई विल हेल्प यू इन ऑल दैट सेंस ठीक है सो so, देखो बड़ा सिंपल है यार कि व्हाट वी ऑलवेज से कि पढ़ो अच्छे से पढ़ो ठीक है मेरा हमेशा यही कॉन्सेप्ट है और वो चीज तुम हमारे एनर्जी में देख सकते हो क्योंकि मैं पागल हूं रिगार्डिंग माई टीचिंग ठीक है जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं कुछ नहीं सोचता कौन क्या सोचता है कौन क्या कमेंट करता है मेरे को फर्क नहीं पड़ता रीजन बीज मुझे पता है कि वट आई एम गिविंग शायद ही कोई इस लेवल पे कोई दे रहा होगा ठीक है ओके okay. सो so, मैं एक सिंपल सा बोल रहा हूं बेटा अगर आपको बेटर वे में और अच्छे तरीके से अपने डाउट्स को क्लियर करते हुए पढ़ना है डाउट्स खत्म करना है क्रैश कोर्सेज ज्वाइन करना है या कुछ भी करना है यू कैन कम ऑन द प्लस इफ यू कैन अफोर्ड देखो मैं बार बार यही बात बोलता हूं अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो देन यू शुड कम ऑन द प्लस ठीक है लेकिन अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता देन इट्स ओके यू कैन मैनेज विद द यूट्यूब ठीक है सो so, प्लस के फायदे तो बहुत है टेस्ट सीरीज हो गया कुछ भी हो गया बहुत कुछ है ठीक है हम इनिशियटिवस लाते रहते हैं आपके लिए ताकि आपको भी अच्छा लगता रहे आप शेयर करते रहो दोस्तों के साथ ठीक है सो बी ऑलवेज डू डैट तो आपको करना है क्या प्लस लेंगे आइदर यू कैन गो फॉर द आइकॉनिक और यू कैन गो फॉर द नॉर्मल प्लस सब्सक्रिप्शन आइदर फॉर द आई दर फॉर ट्वीट फोर मंथसन गो फॉर वन टाइम पेमेंट या तुम ई में भी कर सकते हो ठीक है और आपको करना क्या डाउट सेशन के लिए ग्रुप ज्वाइन कर लो यार ताकि अपना कोई भी डाउट होता है इसमें पोस्ट करोगे तो रिप्लाई बहुत तेजी से मिलता है ठीक है एंड दिस इज द ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप जहां पे आपको सारे पीडीएफ अवेलेबल होते हैं और साथ ही साथ मैंने आपको पहले भी बोला है कि पे है 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 क्या 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 बाबा 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 बोलो ये एक emotion है इट इज अमोशन जो मेरे को और आपको कनेक्ट करता है एंड यू बिकम अ पार्ट ऑफ माई भारतीय वॉरियर्स टीम ठीक है सो दैट इज अटेन ठीक है आपको मेरा पर्सनल मेंटरशिप तो मिल ही रहा है ठीक है तो भाई मेरे देखो ये, इसको हम नंबर वन स्टडी चैनल ऐसा ही नहीं बोलते हैं हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज हम हर लेवल मतलब उस लेवल का क्वालिटी टीचिंग दे रहे हैं ऑन ऑल दिस चैनल फॉर ऑल द ब्रांचेस कि यार आपको मजा आना चाहिए राइट right? सो so, आपको करना क्या जो भी लोग नए हो फटाफट पड़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे ओके राइट सो थैंक यू सो मच आई होप यू एंजॉयड द सेशन मुझे तो मजा आया ही है जैसे मेरा को हमेशा आता है राइट सो हार्डली थ्री टू फोर डेज लेफ्ट विल कंप्लीट द पाइल फाउंडेशन एंड एवरीथिंग और स्टार्ट द स्ट्रक्चरल एनालिसिस थैंक यू सो मच बाय टेक केयर विल मीट यू इन द नाइट रे बाबा रात में मिलना है रात में कितना बजे ग्यारह दस ग्यारह दस विल मीट यू इन द नाइट ओके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे किस पे शैलो फाउंडेशन पे तो जो भी एसपीटी नहीं पढ़ा पढ़ लेना ठीक है चलो ओके बाय बाय गुड नाइट